असलम ऐसे एम न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयद मुकदरजा ऐसे एम न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदी ख़बरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए खबर शाम करते हैं गुजरे से जहाँ पर अलेक्ट्रॉनिक वेब चैनल एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ कि जिसमें अहम फैसले किए गए इसी हवाले से मज़द बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे रफ़ाकत अली रफ़ाक़त अली बताइएगा जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वेब चैनल एसोसिएशन का हंगामी इजलास मनकद हुआ जिसमें अहम फैसले भी किए गए इजलास की सदारत चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक वेब चैनल एसोसिएशन सिकंदर आजम ने की जबकि सदर सैयद शबिरन शाह साहब जनरल सेक्रटरी अहमद खान न्याजी समेत बाडी के तमाम अरकान के अलावा मम्बरान की कसर तदा ने शिरकत की अजलास से खिताब करते हुए सदर शबीर हुसैन का कहना था कि कोई भी प्लेटफॉर्म जतीिय इस्तेमाल के बजायी इस मफाद के लिए कायम किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक वेब चैनल एसोसिएशन तमामदारान और मम्बरान का प्लेटफार्म है जहाँ पर हर किसी के साथ यकसा सलूक भी किया जाएगा चेयरमैन सकंदर आजम ने कहा कि एसोसिएशन से मुंसलिक हर मेंबर को तहफ़ देते हुए इनके मसाइल तरजीह बुनियादे पर हल किए जाएंगे मजीद कहा कि प्लेटफार्म का मकसद मिलकर चलना है और मिलकर चलने में ही सबकी बका है इन्होंने कहा कि तमाम इमरान और अहदेदार जरूरी खबरों को अपने खबर और टी वी चैनल्स पर जरूरी कवरेज दिया करें ताकि न सिर्फ हमारी यकजहती दूसरों को साबित हो सके बल्कि इस खबर पर भरपूर एक्शन भी लिया जा सके इजलास में सीनियर सहाफ़ियों इलियास भट्ट शाहद फारूक मलिक इशरतलमाज़ चौधरी कदूस मुग़ल राना शहबाज अहमद हामद अली सोहल अतर सुल्तान अली चौधरी ताहर क्यूम कादरी आ, कैसर महमूद साकी हमज़ा गोलडवी, मुदसर अजीम अंसारी उमरान चौहान डॉक्टर अकबर अली वकास राना एयाज तारक अमानत और दीगर सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की ठीक है बहुत शुक्रिया रफाकत अली आप हमें अपडेट कर रहे थे अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एस एम न्यूज़